का एक और शानदार वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यूपी एनएचएम के द्वारा नई अपडेट यहां पे जारी कर दी गई है। यहां पे बड़ी अपडेट है, आप सबको पता है दोस्तों, सारी अपडेट यूपी एनएचएम की कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको बताया जाता है। और आज की जो नई अपडेट की गई है यहाँ पर, जो इस अपडेट का दोस्तों मेन वो मोटिव है, 17/10/2022 तक लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। और देखिए, यूपी सीएचओ की जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, यूपी सीएचओ 5505 रिजल्ट के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अपडेट जारी किया गया है, पहले उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद में आपको यूपी सीएचओ के बारे में भी बताएंगे। देखिए, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। डियर साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। आपको क्या करना है, इसको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपके लिए नया जो नोटिफिकेशन है वो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर जो है, ये नया अपडेट अभी की जो है कल शाम को जारी किया गया था, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं, और आप सब देख पा रहे होंगे यूपी एनएचएम पे जो भी कोई अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको बताया जाता है। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे डियर साथियों, तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आ गया। डियर साथियों, जैसा आप स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश 11/10/2022 का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी थी 2900+ वैकेंसियाँ, जिसमें वैकेंसी को शामिल किया गया था, बहुत सारी वैकेंसी को शामिल किया गया था। इस वैकेंसी में अगर आप देखेंगे कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उसके बारे में यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर BCTVLT NTEP IRL, तो इन जो तमाम वैकेंसियाँ जारी की गई थी उनका डीवी के लिए प्रोसेस जो जारी किया गया था, लास्ट डेट कब तक थी, 14/10/2022 तक थी। यहाँ पे बताया गया है, ड्यू टू वेदर फोरकास्ट इश्यू बाई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, लास्ट डेट 14/10/2022 ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द एफोरसेड पोजीशन हैज़ बिन एक्सटेंड 17/10/2022 तक अब जो है एक्सटेंड की गई है, ठीक है। पहले जो डेट 14/10/2022 तक थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 17/10/2022 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है, ठीक है। 2900+ वैकेंसियों की जो लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी थी, इसमें अदर वैकेंसियाँ भी शामिल थी, तो उन वैकेंसियों के लिए नया जो है इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है, ठीक है। तो ये जानकारी आप सबके लिए देनी थी। और दोस्तों, जो यूपी सीएचओ की जो लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट एग्जैक्ट कब आएगा, तो मैंने आपके लिए रिजल्ट के बारे में वीडियो बता दिया है। उसमें बताया है दोस्तों, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आपका आने वाला है, जो पिछली बार 2021 में डिक्लेयर किया गया था उसी महीने में आपका रिजल्ट की जो है एक्सपेक्टेड डेट आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट नहीं आती है तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।